हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चूड़ीदार सलवार की थ्योरी शेयर करने वाली हूं, जो कि आप सभी की रिक्वेस्ट पर है। इससे पहले हमने पैटर्न पेपर पर कटिंग आपको सभी फॉर्मूले के साथ बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। और ये उस क्लास का पार्ट टू है जिसमें हम थ्योरी विथ डायग्राम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरी थोड़ी बड़ी है, उसके बाद हम डायग्राम को समझेंगे। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और थ्योरी में बीच में आपको टिप्स और इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो भी बताऊंगी। तो आप इस थ्योरी को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे फॉर्मूले भी नोट कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है आपको, फुल लेंथ यानी कि पूरी लंबाई 40, हिप राउंड मेजर करना है, नी राउंड आपका जो भी आ रहा है, और बॉटम यानी कि मोहरी, क्रॉच लेंथ आप अगर मेजर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मेजर करते हैं तो आपका फॉर्मूला रहेगा हिप डिवाइडेड 3+1। उसके बाद में नी लेंथ किसे कहते हैं, कमर से लेके जो घुटने तक की लंबाई होती ना, उसे हम नी लेंथ कहते हैं, यानी कि घुटने की लंबाई। अगर आपने मेजर की है तो अच्छी बात है, और नहीं मेजर की तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कितने इंच पर लगाना है निशान। अब इसका मेथड देख लेते हैं। फैब्रिक रिक्वायरमेंट यानी कि कपड़े की आवश्यकता, तो आपको 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा इसे बनाने में। उसके बाद सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब एक जरूरी बात है कि अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो आपको क्या करना है, तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए, अगर आपका कपड़ा प्रिंटेड है, ठीक है, तो दोनों पैरों की कटिंग आपको अलग अलग करना है, ध्यान रखना है, वरना आपकी प्रिंट एक तरफ उल्टी हो जाएगी और एक तरफ सीधी हो जाएगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कपड़ा फोल्ड करते वक्त, ओके। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। चलिए मैं पेज टर्न कर देती हूँ। 4th नंबर का पॉइंट है, अब हम लंबाई नापेंगे। 5th नंबर का पॉइंट है, अगर आप बच्चे की सलवार बना रहे हैं तो जो आपको तैयार लंबाई चाहिए उसमें 10-11 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, ओके। और 6th नंबर का पॉइंट है हमारा, और अगर आप बड़े की सलवार बना रहे हैं तो पूरी लंबाई ले लीजिए। 7th नंबर का पॉइंट है हमारा, अब सबसे पहले हम मोहरी का निशान लगाएंगे नीचे कोने की साइड से। 8th नंबर का पॉइंट है मोहरी बराबर मोहरी का राउंड आधा प्लस 1 इंच। 9th नंबर का पॉइंट है, और मोहरी के नीचे की साइड 1 इंच पर गोलाई का शेप दे देंगे ताकि हम इसे आसानी से पहन पाए। अब हम आसन का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हम सलवार का जो 5 इंच का बेल्ट बनाएंगे वो अलग निकाल देंगे। पॉइंट है हमारा, अब आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे, क्रोच लेंथ बराबर हिप डिवाइडेड 3+1 बराबर आसन की लंबाई। चलिए पेज टर्न कर देती हूँ मैं। अब 5 इंच बेल्ट का अलग निकाल कर घुटने की लंबाई का निशान लगाएंगे। 13 नंबर का पॉइंट है, और आसन के निशान से 3 इंच यानी कि थाई का निशान लगाएंगे। आसन का जो हमने निशान लगाया ना, उससे 3 इंच नीचे की तरफ जांघ का निशान लगाएंगे। 14 नंबर का पॉइंट है, उसके बाद फुल लेंथ का निशान लगा देंगे और लेंथ मोहरी तक सीधा निशान लगाएंगे। अब हम घुटने और थाई की गोलाई का निशान लगाएंगे। अब निशानों को मिलाते हुए शेप दे देंगे। अब हम आसन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, इसके लिए आपको हिप डिवाइडेड 3 करना है, 42 डिवाइडेड 3+ आपको 1 कर देना है। और अब आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे, इसके लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करके शेप दे देंगे सभी लाइंस पर। और अब हम कटिंग कर देंगे, और आपकी जो बेल्ट है उसका आपको अलग निकाल देना है साइड से, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका बेल्ट का फॉर्मूला है, बेल्ट की लेंथ आपको 5 इंच रेडी चाहिए, तो आप 2+ कीजिए तो आपका 7 आपको लेना है, तो आपका तैयार होकर 5 का रह जाएगा, ठीक है। और विड्थ जो है उसके लिए आपको हिप को 2 से डिवाइड करना है और प्लस उसमें 2 कर देना है। देखिए, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स और फॉर्मूला है, आपको नीचे की साइड से हल्की गोलाई देना है जिससे आपको इसे पहनने में दिक्कत ना आए, नीचे यानी कि बॉटम और मोहरी की साइड। इससे क्या होगा कि आपका नीचे उरेब आ जाएगा तो आपको पहनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, भले ही आपके हुक गोलाई ना हो, ठीक है। और ये क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला है आपका, देखिए आसन की लंबाई का फॉर्मूला। और आसन में आपको ना लंबाई जब भी आप ले तो 5 इंच बेल्ट का अलग जरूर निकाले, जैसे कि आसन 13 आया है तो 5 इंच ऊपर की तरफ अलग निकाल दीजिए। और ये क्रॉच लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ये 13 कैसे आया
इसका फॉर्मूला है, पूरा क्रॉस लेंथ फॉर्मूला, हिप डिवाइडेड 3+1, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टिप्स में मैंने आपको प्रिंटेड कपड़े के बारे में तो बता ही दिया है। उसके बाद नी और थाई का राउंड जो है, जो भी गोलाई आपकी निकल कर आई है बॉडी पर, उसका आधा कर दीजिए प्लस उसमें 1 इंच कर दीजिए सिलाई मार्जिन और लूजिंग का। जैसे कि मेरा नी थाई राउंड है तो राउंड का मैं हाफ करूंगी प्लस 1 इंच करूंगी। जैसे कि मेरा 20 है, 20 का हम आधा कर देंगे यानी कि 10 और प्लस उसमें 1 इंच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी थ्योरी हो गई है। अब हम डायग्राम समझ लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 2 से 2.25 मीटर कपड़े की जरूरत होती है। पहले हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में रहेगा। सबसे पहले ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है और ये जो है ये चूड़ीदार सलवार का हमारा बेल्ट होता है। बेल्ट की जो लेंथ है आप 5 से 6 इंच रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं बेल्ट की लंबाई की बात कर रही हूँ, चौड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कपड़ा आपने डबल फोल्ड किया, अब उसके बाद में आपको कपड़े का एक कोना उठाकर उसे इस तरीके से ट्रायंगल में रखना है। जब आप कपड़े को उठाकर एक कोने से इस तरीके से रखेंगे तो आपका कपड़ा ट्रायंगल में हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपके कपड़े की फोल्डेड साइड रहेगी और ये जो रहेगा आपका इधर से भी फोल्ड रहेगा एक तरफ से और एक साइड आपकी पूरी खुली रहेगी। अब आपके पास 4 लेयर्स रहेगी यानी कि 4 भाग रहेंगे कपड़े के। इस तरफ जो भाग होगा उधर आपकी लंबाई होगी। हमेशा चूड़ीदार सलवार हम उरेब कपड़े में बनाते हैं। इससे क्या होता है, कपड़ा उरेब होने पर स्ट्रेचेबल हो जाता है और फिटिंग काफी अच्छी आती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हमारा मेन डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले आपका जो बेल्ट होता है वो साइड्स से ही निकल जाता है, आपको बेल्ट को कपड़े में से पहले से नहीं निकालना है, ठीक है। देखिए बेल्ट की लेंथ जो होती है वो ये होती है यानी कि लंबाई, ये 5 से 6 इंच का आप बेल्ट रख सकते हैं, ठीक है। और बेल्ट की जो चौड़ाई होती है यानी कि विड्थ जो होती है वो हिप के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है बेल्ट की विड्थ का, ओके। जो भी आपका हिप है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है प्लस उसमें 2 ऐड करना है। जो भी आपका हिप होता है ना वही आपको बेल्ट की चौड़ाई के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हिप 40 है तो मैंने 40 को 2 से डिवाइड किया प्लस मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया तो आपका निकल कर आएगा 22। सबसे पहले हमारा जो कपड़ा था वो इस तरीके से ट्राइंगल में था, ओके। ये ट्राइंगल में हमारा कपड़ा था। अब ट्राइंगल में जो हमारा कपड़ा था तो हम सबसे पहले इस तरफ मैंने आपको क्या बताया था, लंबाई का निशान लगाएंगे, ओके, क्योंकि ये फोल्डेड साइड है यानी कि बंद भाग है ना। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ पर एक बॉटम का मार्क कर देना है आपका, जहां भी आपकी जो बॉटम की गोलाई है, जैसे कि आपकी बॉटम की गोलाई 10 है ना, तो 10 का आधा करना है। 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। 5 में आपको 1 इंच ऐड कर देना है लूजिंग प्लस स्टिचिंग, ओके। तो इस तरीके से आपका मेजरमेंट कितना आया, 6 इंच बॉटम यानी कि मोहरी का। तो यहां से यहां इस कोने से आपको ट्रायंगल शेप से ऐसे ऐसे करना नापना स्टार्ट करना है। जहां पर ना आपका 6 इंच आ जाए ना वहां पर जाकर रुक कर इस तरीके से मार्क कर दीजिए 5 इंच + 1 इंच लूजिंग का ऐड करना है, ओके। अब यहाँ हमने मोहरी की मार्किंग कर ली। देन मोहरी की मार्किंग करने के बाद में अब आपको आपके कमर का निशान लगाना है। ये लाइन मैंने किसके अकॉर्डिंग ली है, तो जो भी आपका कपड़ा है ना, आप बड़ी साइज का बना रहे तो पूरा ले लीजिए, ठीक है। पूरा ले लेना है आपको और ऊपर आपकी कमर हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ठीक। अब सबसे पहले हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आसन की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हिप डिवाइडेड 3+1, ओके। तो आपको हिप जो भी है उसको 3 से डिवाइड करना है प्लस 1 करना है। तो आपको यहाँ से यहाँ इस तरीके से क्या करना है, जैसे कि हमारा 5 इंच ये हमने बेल्ट का अलग निकाल दिया और हिप डिवाइडेड 3+1 करना है। जो भी आसन निकल कर आ रहा है यहाँ से यहाँ इस तरीके से पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पर ध्यान रहे 5 इंच बेल्ट का अलग निकालना है, ठीक है। हमें पूरी लंबाई लेनी है, हमारे इसमें चूड़िया बनती है तो हमें पूरी इसकी लेंथ ले लेना है। अब थाई के लिए आपको क्या करना है, ये जो आसन का आपका है ना लाइन, इससे 3 इंच नीचे थाई का निशान लगा दीजिए यानी कि जांघ का, ठीक है। अभी हम इनकी लंबाई किस किस इंच पर लगाना है ये बात कर रहे हैं, अभी हमने गोलाई की बात नहीं की है, ठीक है। तो ये आपका थाई का लेंथ का निशान हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद में 5 इंच अलग निकाल कर, जैसे कि मेरा 5 इंच मैंने अलग निकाल दिया और मैं फुल लेंथ मेजर करूंगी मेरी, कि यहां से यहां तक मेरी फुल लेंथ है, ठीक है। अब हम यहां से यहां तक का देखेंगे तो यहां पर इतने एरिए में हमारी चूड़िया बनेगी, है ना। तो यहां से यहां हम बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे इस तरीके से, इतने इतने में ये मेरी फुल लेंथ का निशान हो गया, ओके। और ये हमारा बॉटम का जो हमने स्टार्टिंग में 6 इंच का लगाया था, तो यहां से यहां बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन क्यों? क्योंकि इतने में चूड़िया रहेगी और यहाँ का एरिया हमारा बॉटम के बराबर रहेगा, यानी कि मोहरी के बराबर। और अब हम आसन की चौड़ाई निकालेंगे यहां से यहां तक की, ये देखिए। तो इसके लिए आपको हिप को 3 से डिवाइड करना है प्लस उसमें 1 कर देना है, तो आपकी आसन की चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। और सेम इतना ही आपको कमर में भी लेना है, जितना हमने यहाँ से यहाँ लिया, यानी कि हिप डिवाइडेड 3 प्लस 1। अब हमें घुटने और थाई की गोलाई का, यानी कि राउंड का निशान लगाना है। जो भी आपकी थाई आ रही है या घुटना आ रहा है, जैसे कि मेरा नी राउंड 20 है, तो आपको 20 का हाफ करना है तो 10 आया, और 10 में आपको 1 इंच प्लस कर इस तरीके से मार्किंग कर देना है, ठीक है। थाई में भी ऐसा ही करना है, जितनी भी आपकी थाई आई उसी के अकॉर्डिंग आपको आधा करके 1 इंच प्लस कर देना है और एक निशान लगा देना है, ठीक है। अब आती है यहाँ की बारी, अब हमें आसन की गोलाई का निशान लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से इस लाइन तक 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से, और 2 इंच लेने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ये यहाँ से यहाँ तक, और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है। अब हम इन निशानों को इस तरीके से शेप देते हुए मिला देंगे, और इस तरफ जो आपकी साइड रहेगी ये ओपन साइड रहेगी, यानी कि खुला भाग रहेगा, और ये आपकी आसन की गोलाई है, ये आसन की चौड़ाई है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आप सभी की रिक्वेस्ट पर थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।